दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन व समृद्ध परंपरा है, जिसका डंका न सिर्फ अपने ही देश में बल्कि पूरे विश्व में बजता है। हमारे महाकाव्य, जिन्हें हमारे कई प्राचीन ऋषि मुनियों और स्वयं देवताओं द्वारा रचा गया है, उनकी प्रासंगिकता का लोहा आज सारे जगत ने माना है। ऐसा ही एक भारतीय महाकाव्य है महाभारत, जिसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो जीवन में है वो महाभारत में है, और जो कुछ भी महाभारत में है उसका जीवन में कहीं ना कहीं साक्षात्कार जरूर हो जाता है। आधुनिक दौर के भारत में रामानंद सागर जी के रामायण के बाद महाभारत को घर घर पहुंचाने का काम किया था B.R. चोपड़ा साहब ने। साल 1988 में प्रदर्शित इस धारावाहिक ने रामायण की ही भांति लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यहाँ तक कि आज भी लोगों के जहन में महाभारत की कई सुनहरी यादें ताजा हैं। और इसमें चार चांद लगाने का काम किया है कोरोना लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन के द्वारा महाभारत के पुनः प्रसारण ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेश और आप देख रहे हैं नारद टीवी। ये तो रही बात महाभारत के साथ भारतीय दर्शकों के रिश्ते की। इसी के साथ साथ अक्सर हमें महाभारत पर आधारित किसी फिल्म के बनने की अफवाह जरूर सुनाई देती है, पर क्या आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही महाभारत को व्यापक तौर पर बनाया जा चुका है? जी हाँ, दरअसल महाभारत फिल्म को बनाया था सुप्रसिद्ध ब्रिटिश रंगमंच व फिल्म निर्देशक पीटर ब्रूक ने, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर आर्टिस्ट हैं, यानी कि आधुनिक रंगमंच को नई दिशा देने वाले दिग्गजों में से एक। पीटर ब्रूक यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ थिएटर में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि पूरी दुनिया भावनाओं के तार से बंधी हुई है। भाषाओं से कहीं ज्यादा जरूरी भावनाएं ही होती हैं, जो मानवता का मूल है, और शायद इसीलिए उन्होंने महाभारत को ही अपनी फिल्म के रूप में चुना। पीटर ब्रूक का साल 1985 का मूल महाभारत नाटक लगभग 9 घंटे लंबा था, जो कि 4 साल तक विश्व भर के अलग अलग देशों में मंचित हुआ। साल 1989 में इसे टेलीविजन सीरीज के लिए अलग अलग भागों में बांटकर कुल 6 घंटे जितना लंबा कर दिया गया था। बाद में इसे DVD व सिनेमाघरों की रिलीज के लिए मूल नाटक से तकरीबन 6 घंटे कम करके कुल 3 घंटे का रूप दे दिया गया था। इस फिल्म अथवा नाटकीय सीरीज की पटकथा पीटर ब्रूक, जॉ क्लाउड कैरियर और मैरी हेलेन एस्टियन के 8 साल के रिसर्च और विवेचनाओं का परिणाम थी। सामान्य शब्दों में महाभारत की मूल कथा दो युद्धरत परिवारों पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष की कहानी है। दोनों पक्ष राजा और देवताओं की संतान होने के नाते प्रभुत्व के लिए लड़ते हैं। साथ ही साथ पांडवों के साथ खड़े कृष्ण कई नैतिक चेतनाओं से पांडवों समेत पाठकों व दर्शकों को अभिभूत करते हैं। आपको बता दें कि पीटर ब्रूक ने महाभारत के इसी स्वरूप को ऐसे का ऐसा दिखाया था, परंतु उनका प्रोडक्शन स्टाइल यानी निर्माण पद्धति B.R. चोपड़ा के मेलोड्रामेटिक महाभारत से बिल्कुल जुदा थी। पीटर ब्रूक का महाभारत परंपरागत नाट्य पद्धति जैसा प्रतीत होता था, जिसमें कई प्रकार की रचनात्मक स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल किया गया था। ये रचनात्मक स्वतंत्रता रंगमंचों पर स्पेशल इफेक्ट का विकल्प होती है। फिल्म संस्करण के 3 साल पहले पीटर ब्रूक ने फ्रांस के एविग्नन की एक खादान में फ्रेंच भाषा में महाभारत का मंचन किया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि जब महाभारत की पूरी कहानी को संक्षिप्त रूप से मंच पर लाया गया हो, और जिसे बाद में एक फीचर फिल्म का रूप दे दिया गया। पीटर ब्रूक ने साल 1982 से 1985 के दौरान अपनी किताब इन सर्च ऑफ द महाभारत नोट्स ऑफ ट्रेवल्स इन इंडिया में जॉ क्लाउड कैरियर के द्वारा महाभारत की क्लिष्ट संस्कृत का यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेशन और उसमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में जिक्र किया है कि कैसे उन्हें कुछ संस्कृत शब्दों के लिए सटीक शब्द चुनने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि ब्रूक चाहते थे कि महाभारत की मूल भाषा व उसकी भावना हूबहू बरकरार रहे। इसका एक उदाहरण है शब्द आत्मन, जिसे डेप्थ ऑफ वंस बीइंग के रूप में अनुवादित किया गया था। दोस्तों, आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए लगभग 16 देशों से विभिन्न धर्मों, पंथों और संप्रदायों के कलाकारों को चयनित किया गया था, और ये महाभारत फिल्म B.R. चोपड़ा की महाभारत संस्करण से 1 साल बाद प्रदर्शित हुई थी, जिसमें द्रौपदी का किरदार किया था भारतीय अभिनेत्री मल्लिका साराभाई ने।
तथा विटोरियो मेजोगियोर्नो ने अर्जुन के रूप में, सोतुगुई कोयाते भीष्म के रूप में, पांडु और भगवान शिव दोनों के रूप में तापा सुदाना जैसे कलाकार नजर आए थे। आइए अब नजर डालते हैं फिल्म की बाकी की कास्ट पर। इस फिल्म में व्यास के रूप में रॉबर्ट लैंगडन लॉयड नजर आए थे। ब्रूस मायर्स ने गणेश और भगवान कृष्ण की भूमिका अदा की थी। युधिष्ठिर के रूप में आंद्रेस सेवरिन, भीम के रूप में ममौद दीव में, नकुल के रूप में जॉ पॉल डेनिजन, सहदेव के रूप में महमूद तबरेजी जाहिद नजर आए थे, तो दुर्योधन के रूप में जॉर्जेस कोराफेस, कुंती का किरदार मिरियम गोल्डस्मिथ ने निभाया था, तो हेलन पेटारोट गांधारी के रूप में नजर आई थी, कर्ण के रूप में जेफरी किसून, द्रोण के रूप में योशी ओइदा जैसे कलाकारों ने अपनी नायाब अदाकारी से इस फिल्म की व्यापकता को और भी बढ़ा दिया था। महाभारत के ट्रांसलेशन पर काम करते हुए मैरी हेलन एस्टन ने विद्वानों, लेखकों, नर्तकियों और थिएटर के लोगों से इस प्राचीन महाकाव्य के कई अलग अलग रूपों को जानने और समझने के लिए मणिपुर से कांचीपुरम तक यात्रा की, साथ ही साथ नेपाल की भी यात्रा की। म्यूजिक कंपोजर ताशो सुचितोरी ब्रूक के अनुरोध पर महीनों तक भारत में ही रहे थे और ये सुनिश्चित किया था कि इस फिल्म में उसी प्रकार के म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाए जिससे विश्व स्तर पर सभी लोग परिचित हों। इसी प्रयोजन से ईरान, टर्की और डेनमार्क के म्यूजिक कंपोजर्स कंपोजिशन में लग गए, जिनका नेतृत्व तोशी सुचितोरी कर रहे थे। सुचितोरी रविंद्र संगीत से विशेष रूप से प्रभावित भी थे। महाभारत के इस फिल्म संस्करण को साल 1989 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में 20 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली थी और बाद में इस फिल्म के टीवी प्रसारण के बाद इसे एमी अवार्ड भी मिला। इतने सारे अलग अलग देशों के कलाकारों से सजी ये फिल्म उस दौर के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म गलियारों में एक हॉट डिबेट का मुद्दा बनी रही, जिस पर मुंबई स्थित लेखक और समीक्षक संजुक्ता शर्मा लिखते हैं, ऐसे प्रयोगों से महाकाव्य और भी सशक्त और सार्वभौमिक हो जाता है और इससे ये साबित होता है कि महाभारत जैसे महाकाव्य किसी एक संस्कृति या राष्ट्र की सीमाओं के बंधक नहीं है। साल 1990 में इस फिल्म को साओ पाउलो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ, साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।